संवाददाता अनूप सिंह ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से खास बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ में हैं। सर आज आज सर तीसरा दिन है सर, एक ऐतिहासिक सर दिन है, प्लीज। नहीं, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब कानपुर में इस बात का फैसला हुआ था, गंगा यात्रा निकलेगी और केंद्र का और राज्य का मंत्री या जनप्रतिनिधि एक दिन जरूर इसमें समय देगा, उस नाते आज मैं इस यात्रा में शामिल हूँ। गंगा स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, एक बड़े हिस्से के सिविलाइजेशन का की गवाह है और उसको संरक्षण देने वाली माँ गंगा है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, आम आदमी की भी है, बाकी लोगों की भी है। और जो उत्साह है वो उत्साह बता रहा है कि गंगा के प्रति लोगों की आस्था भी है और उसके प्रति सजगता भी है। पीएम मोदी ने एक शुरुआत की थी कि गंगा को सफाई करेंगे, क्या इसकी शुरुआत यहीं से हो चुकी है? नहीं नहीं, मुझे तो शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है। बनारस जाइए, कानपुर जाइए, उन नालों में जो एशिया का सबसे बड़ा गंदा नाला था उसे एक बूंद भी माँ गंगा में नहीं मिलती है, गंदा पानी। ये बड़ी सफलताएं हैं, पर छोटे स्तर पर भी पूरी तरह से हम इस बात के लिए संकल्पित हों, जागरूक हों कि गंदगी उसमें ना जाए। शुक्रिया सर। तो ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ में थे, जिनका कहना था कि गंगा पूरी तरह से साफ होना चाहिए। इसकी कवायद काफी पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब उस पर जिस तरीके से अमल हो रहा है, लोग उत्साहित भी हो रहे हैं और लोग प्रयास भी कर रहे हैं। राजेश के साथ अनूप सिंह के न्यूज बुलंदशहर। गंगा यात्रा